Hare Rama, Rama Rama, Bala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama. सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति श्री गुरु सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में मैं यथाविधि प्रणाम करता हूँ। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का तिरुभाव है। अभी अभी हम लोग सिद्धांत महाराज और मैं यहाँ पर बैठ करके श्रील प्रभुपाद का विचार वैशिष्टता के ऊपर में हम श्रवण कर रहे थे, लेकिन हम आप लोग तो सब प्रभुपाद के विचार के ऊपर बता रहे थे, लेकिन मैं तो सोच रहा था हमारे श्रील गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का कितना कृपा और उनके कितने महत्व है, क्योंकि आप लोग जो अभी हरि कथा बोल रहे थे श्री विजय प्रभु जी, श्रील माधव प्रिय प्रभु जी, श्रील बंसीवर्धन प्रभु जी, श्रील संजय प्रभु जी और श्री जीत प्रभु जी और श्री दिजो प्रभु जी, आप लोग जितने सुंदर सुंदर हरि कथा बोल रहे थे, मैं तो सोच रहा था हमारी महाराज की कितनी दया है, महाराज की कितना कृपा है, जो इतने इतने संन्यास पर बात ही छोड़ दो, उनका जो ब्रह्मचारी कितने योग्यता है, प्रभुपाद का विचारधारा को कितने सुंदर रूप में अभिव्यक्ति कर रहे थे। मैं तो श्रील गुरुदेव की महिमा को सोच सोच करके मैं तो उनकी महिमा को सोच सोच करके मैं गुरु जी की महिमा को मैं विचार कर रहा था। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का श्रीचरण में आए और उनकी कृपा से हमें इतने सुंदर सुंदर हरि कथा सुनने को हमें मिल रहा है। इसलिए भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का तिरुभाव है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के दिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसलिए अभी अभी श्री संजय प्रभु जी आवाज आ रही है, आ रही महाराज, अभी अभी श्री संजय प्रभु जी बता रहे थे कि जो प्रभुपाद है और मेरे गुरुदेव भी प्रभुपाद के ऊपर में बड़े सुंदर, उन्होंने प्रभुपाद का जीवन चरित्र में बड़े सुंदर बात बताए। मेरे गुरुदेव बता रहे थे श्रील प्रभुपाद की जो स्वरूप है कहते दो तरह से प्रकाशित हुआ है, एक तो अनर्थ युक्त व्यक्ति को पास में और एक है श्री अनर्थ मुक्त व्यक्ति को पास में। इसलिए जो अनर्थ युक्त व्यक्ति थे उनको पास में क्या प्रकाशित हुआ, श्रील प्रभुपाद की वंदना में बताए, नाम एवं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। कहते जो अनर्थ युक्त जो व्यक्ति उनको पास में उन्होंने आत्मस्वरूप प्रकाश किया है, कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती, कहते ये भक्ति सिद्धांत में दूसरे ये सरस्वती जैसे है। इसलिए प्रभुपाद की इतने विद्वता था, प्रभुपाद की इतने विद्वता था, जिस प्रभुपाद की विद्वता को देख करके तथा कथित जितने बड़े बड़े व्यक्ति थे, एक समय कहीं उनका डिस्कशन हुआ जो ज्योतिष विभाग के जो बहुत बड़े वहां के जो प्रिंसिपल को साथ में एक अयनाश शब्दों को लेकर के विचार हुआ है, प्रभुपाद ऐसे विचार दिया जो प्रिंसिपल था चेयर में बैठ करके वो सुन रहा था, प्रभुपाद इसका आर्गुमेंट मेरे को ऐसे काट रहे थे जिनकी विद्वता को सुन करके वो चेयर में बैठ बैठ करके पायखाना और पेशाब वहां पर कर दिया इनके विचार को सुन करके।
इसलिए उस समय प्रभुपाद से प्रार्थना क्या है, प्रभुपाद आप ये गति पर, ये चेयर पर केवल आपका ही अधिकार है, आप ये प्रिंसिपल पाद पद को स्वीकार करो। लेकिन प्रभुपाद ने कहा मैंने ये जगत का ईंट पत्थर बाली रेती और तारा को मैंने गिरने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो महाप्रभु का भेजा हुआ एक पियन हूँ, केवल जगत में महाप्रभु का शुद्ध भक्ति धारा को ही मैंने प्रचार करने के लिए आया। इसलिए साधारण व्यक्ति को पास में प्रभुपाद जो प्रकाशित हुए कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये दूसरे सरस्वती भक्ति सिद्धांत का है। लेकिन जो अनर्थ मुक्त है कहते जो महाप्रभु का बासरी कहते जो प्रभुपाद का जो निज जन थे कहते उनको पास में प्रभुपाद दूसरे तरह से प्रकाशित हुए, वो किस रूप में, बोले श्री भार्स भानवी देवी दयिताय कृपा द्वय। इसलिए प्रभुपाद के अष्टमी में बताए वृषभानो सुता दयितानो चरम चरणाश्रित रेणु धरास्तम महदद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। कहते जो अनर्थ मुक्त थे उनका जो निजजन थे उनको पास में कैसे प्रकाशित हुए, कहते श्री भार्स भानवी देवी दयिताय। इसलिए इनके लिए कहते हैं जिस समय, इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद का विषय में कहते हैं अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं, अभी तक जितने आचार्य आए हैं अगर एक तराजू लेकर के उनकी वैशिष्ट्यता को तराजू का एक तरफ में धर दिया जाए और श्री प्रभुपाद के जो महिमा, इनकी साधन, इनकी भजन और इनकी ग्लोरी को अगर दूसरे तरफ में रख दिया जाए तो कहते प्रभुपाद का जो देन, प्रभुपाद का जो विचार, प्रभुपाद को जो साधन, कहते ये तराजू इनका भारी पड़ेगा। इन प्रभुपाद के लिए इतने बड़ी बात श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इनके लिए बोला करते थे। कभी कभी मैं भी कभी कभी इसको सुन करके सोचता था ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसलिए प्रभुपाद कौन है, बल्कि राधा रानी के नयन मणि मंजरी। जिस समय निकुंज की सेवा में, राधा रानी निकुंज की सेवा में जिस समय नयन मणि मंजरी नियुक्त थी, राधा रानी कह रहे नयन मणि मंजरी जाओ देखो जगत का जीव का क्या दुर्दशा है, कैसे भक्ति से विमुख होकर के संसार में कितना दुख कष्ट भोग कर रहे, तुम जाओ जाकर जीव को कल्याण करो, बोले तुम अकेला मत जाया करो, तुम अपना परिकरों को लेकर के तुम अपना साथ में जाओ, इसलिए अकेले मत जाओ। जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद शिव धाम सहब करी, जैसे श्री महाप्रभु संपूर्ण परिकर और धाम को लेकर किसी जगत में अवतीर्ण हुए, उसी तरह प्रभुपाद जब किसी जगत में आए कहते वो अकेले नहीं आए, संपूर्ण अपना परिकरों को लेकर के आए। इसलिए प्रभुपाद कहीं कहीं पर अपना परिकरों का जो सिद्ध नाम दिया है, जैसे श्री विनोद बिहारी इनको नाम में था उनमें ये विनोद मंजरी है, जैसे श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज को उन्होंने विमला मंजरी रूप में दिया है, जैसे मेरे गुरुदेव का नाम सिद्ध स्वरूप नाम दिया है, इसलिए जिन जिनों का नाम उन्होंने ब्रह्मचारी रूप में दिया कहीं ना कहीं उसके अंदर में उनको सिद्ध स्वरूप को भी उन्होंने इंगित उन्होंने दिया है। इसलिए श्रील महाप्रभु प्रभुपाद जी इसी जगत में आकर के जैसे महाप्रभु का भविष्यवाणी था, जैसे श्रीमन महाप्रभु श्री गोस्वामी को उन्होंने चार उन्होंने आदेश दिया था, उसी तरह प्रभुपाद को भी अगर देखा जाए वो जो चार आदेश में श्रील प्रभुपाद भी संपूर्ण रूप में महाप्रभु का चार आदेश को जगत में प्रचारित किया है और महाप्रभु इसी जगत में जो आए वो भी चार कारण को लेकर के आए, कुछ गौण कारण कुछ मुख्य कारण। जैसे महाप्रभु उनको आदेश दिया था जगत में शुद्ध भक्ति धाराओं को प्रचार करने के लिए, और महाप्रभु जगत में जो आए किस लिए, कहते पहला कारण है पृथ्वी के आशीजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी में भगवत नाम हरिनाम संकीर्तन संपूर्ण पृथ्वी में
गली गलियों में शहर शहर में सर्वत्र ये कृष्ण नाम गूंज उठेगा। इसलिए प्रभुपाद यद्यपि महाप्रभु ने इसी इच्छा को जिसको द्वारा जितना प्रकाशित करना था करना किया, लेकिन अगर मुक्त प्रग्रह वृत्ति में अगर विचार किया जाए, अगर ये वाणी को संपूर्ण रूप में किसने सार्थकता किया है, कहते श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया है। उन्होंने संपूर्ण दुनिया में जो हरिनाम अभी संकीर्तन प्रचार हो रहे हैं, और हम लोग जैसे व्यक्ति, जब मैं अपना विचार करता हूँ मेरा जन्म कहाँ पर हुआ, किसी गांव के किसी कोने में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं कभी आकर के वृंदावन में गुरु वैष्णव की श्री चरण में बैठी करके कभी भजन कर सके, थोड़ी बहुत कोशिश कर सके भजन, अगर कभी विचार करता हूँ किसने ये काम को सार्थकता किया, कभी श्रील प्रभुपाद अगर नहीं होते ये जगत में, हम जो थोड़ी बहुत भजन के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं, हम ये प्रचेष्टा भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये राधा रानी के नयन मणि मंजरी है। राधा रानी नयन मणि मंजरा मतलब आंखों का जो पुतला की जो स्वरूप है। इसलिए राधा रानी अत्यंत दयालु है, इसलिए राधा रानी के मान दयालु कृपा ही इसलिए प्रभुपाद का रूप धारण किया। तभी हम जैसे अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे, जगत में कोई कोई ऐसे महापुरुष हुए किसने किसने का शिष्य ग्रहण ही नहीं किया, और किसने किसने कोई एक एक शिष्य को जो अधिकारी शिष्य समझे उन्होंने केवल उनको उन्होंने कृपा किया है, लेकिन एक अनधिकारी व्यक्ति को जैसे श्री प्रह्लाद महाराज श्री नारद जी के लिए कहते हैं, नारद जी के लिए कहते हैं प्रायण सभी मुक्त कामा, उस श्लोक में ये कह रहे हैं अगर नारद जैसे व्यक्ति नहीं होते, मैं जो राक्षस कुल में जो जन्म ग्रहण किया हूँ नारद जी की कृपा से ही मैंने थोड़ी बहुत भजन किया हूँ, उसी तरह मुक्त व्यक्तियों को जो अधिकारी व्यक्तियों को शिष्य ग्रहण करके उनको शिष्य बनना ये एक बात है, लेकिन एक अनधिकारी व्यक्ति को संपूर्ण जो अनर्थ युक्त व्यक्ति संपूर्ण जो नरक के कीड़े पड़े हुए उनको प्रति कृपा करना ये बहुत बड़ी चीज है, उनको पर कृपा करना ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हम लोग जैसे हैं, हम लोग जैसे अनधिकारी व्यक्तियों को भक्ति जगत में स्थान दे करके धीरे 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 भक्ति उन्मुख सुकृति करा के और एक दिन राधा रानी के चरण की जो सेवा में लगाना, ये जो काम है इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने ही ये काम किया है। अगर ये महापुरुष नहीं आते तो हम लोग कभी भी भजन में नहीं आ सकते थे, कभी भी हम प्रभु की भजन नहीं कर सकते थे। इसलिए इसलिए कोई कोई किसी किसी महापुरुष को कहना है इसी जगत में अगर प्रभुपाद नहीं आते तो ये विश्व ब्रह्मांड अभी तक ध्वंस हो जाता, ये विश्व ब्रह्मांड नहीं रहता, क्योंकि भगवान इसलिए ये दुनिया को अभी तक रखे चूंकि अभी तक कोई कोई भक्ति करने वाले है, नहीं तो जब कोई भक्ति करने वाले नहीं रहेंगे जो एटम बम बना करके बैठे सबके सब, बस फिर तो एटम बम फेंके विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद आए शुद्ध भक्ति धारा को प्रचार किए और लोग थोड़ी बहुत अभी शुद्ध भक्ति धारा को अपना जीवन में आचरण कर रहे हैं। इसलिए अभी महाप्रभु ने अभी तक कृष्ण ने ये पृथ्वी में अभी ये जगत को उन्होंने टिका करके रखी, अगर ये महापुरुष नहीं होते तो जगत में अभी जगत ही नहीं रहता, ये जगत पूरा ध्वंस हो जाता जगत। इसलिए कहते इनको आने का ये पहला कारण है कि दूसरा जो कारण है जगत में महाप्रभु आने का, जैसे श्री अनर्पित चरिचिरात करुणायवातीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रीयम, महाप्रभु जगत में आने का दूसरा कारण था जैसे वो अनर्पित चरिचिरात प्रेम को प्रदान करना, राधा रानी की निकुंज सेवा को प्रदान करना महाप्रभु आने का दूसरा कारण था। प्रभुपाद का जीवन में भी देखते हैं, प्रभुपाद ने उनका 108 उपदेश में प्रभुपाद प्राय करके उपदेश में बताए श्री रूप गोस्वामी की चरण की धूल बनना ही हमारे जीवन का एकमात्र काम है। इसलिए प्रभुपाद भी कभी कभी बताए जगत में मैंने ये जंगल को काटते 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 मेरा समय चला गया, लेकिन जिस चीज को मैं देने जगत में देने के लिए आया था वो चीज को मैंने दे नहीं पाया, लेकिन उन्होंने उनका जो अधिकारी जो भक्त थे उन लोगों को ये चीज उन्होंने जगत में प्रदान किया है, अधिकारी व्यक्ति को चीज उन्होंने प्रभुपाद ने दिया है। इसलिए तीसरा कारण जो आया महाप्रभु जगत में आए, कैसे श्री अद्वैत आचार्य
जगतगा दुर्दशा को देख करके कैसे उन्होंने तुलसी गंगा जल दे कर कैसे उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को बुलाया। उसी तरह कहते श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब इस जगत में आए और उन्होंने जगत में देखा कैसे अपने संप्रदाय को द्वारा संपूर्ण जगत कैसे भरा पड़ा हुआ, उसी तरह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जब सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना किया, रचना करके देखा अभी ग्रंथों को भविष्य में कौन प्रचार और कौन प्रसार करेगा, इसलिए उन्होंने श्री विमला देवी के पास में प्रार्थना किया, मुझे ऐसे एक संतान प्रदान करो जो भविष्य में महाप्रभु का शुद्ध भक्ति धारा को प्रचार और प्रसार करे। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इसी जगत में आए, जिनका नाम श्री विमला प्रसाद नाम उन्होंने विमला प्रसाद उन्होंने नाम रखा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को प्रार्थना से इसी जगत में प्रभुपाद आए। कहते तो महाप्रभु आने का जो चौथा कारण जगत में था, महाप्रभु राधाया प्रणव महिमा की दृश्यम राधा रानी की भाव का आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद भी अपना जो सिद्ध स्वरूप में मेरे गुरुदेव कहते हैं राधा कुंड को बीच में बैठी करके उनको शरीर में जो दिव्य भाव प्रकाश होता था, ये भाव को उन्होंने कभी कभी राधा कुंड के बीच में बैठ कर उन्होंने ये दिव्य भावना को उन्होंने प्रकाशित किया है। हाँ, दिव्य भाव को कहते उनका जो अंतरंग भक्त लोग थे, अभी श्री संजय प्रभु जी बता रहे थे एक बार प्रभुपाद जी जब कभी आलारनाथ में प्रभुपाद आ रहे थे, आते समय मंदिर में आते समय वो आलारनाथ वहां पर भी राधा कुंड है, इस प्रभुपाद भक्तों के साथ में आते आते हठात जंगलों के अंदर में प्रभुपाद प्रवेश कर गए। भक्त लोग ने सोचा शायद प्रभुपाद किसी शौच क्रिया में गए होंगे, लेकिन दूसरे भक्त लोग मंदिर में चले आए, लेकिन देखा प्रभुपाद तो अभी तक आए नहीं, फिर उन्होंने प्रभुपाद कहाँ गए। जब उन्होंने जाकर देखा प्रभुपाद जब अंदर में प्रवेश कर गए, श्री आलारनाथ का जो वहां सुंदर जो जंगल था उसको देख करके उनको वृंदावन की उद्दीपन आया, और जो एक बिंब फल को दर्शन करते हुए राधा रानी की चरण की जो रंग है उसको उनको स्मरण हुआ आए, तो प्रभुपाद वहीं पर पड़ करके महाप्रभु उनको मुंह से झांक निकल रहा था, क्योंकि अपना जो नित्य सिद्ध भाव में महाप्रभुपाद डूबे हुए थे। फिर प्रभुपाद को होश करके फिर प्रभुपाद वहां से वापस लेकर के आते हैं। इसलिए इसी जगत में अगर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जगत में नहीं आते, अभी तक हम जो थोड़ी बहुत भजन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ये भजन साधन हमारे लिए असंभव इसी जगत में था। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहते नाम विष्णुपाद आय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने, बोले श्री भार्स भानवी देवी दैताय कृपाद्वये श्री रूपानुग विरुधाप सिद्धांत दंतारिणी। इसलिए प्रभुपाद इसी जगत में आकर के बोले श्री रूपानुग विरुधाप सिद्धांत दंतारिणी। इसलिए प्रभुपाद ने जो रूपानुग का जो विरुद्ध मत है उन्हें संपूर्ण रूप में प्रभुपाद ने सो खंडन किया है। इसलिए अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे कैसे उन्होंने जितने सारे अप संप्रदाय उन्होंने संपूर्ण रूप में खंडन करके, इसलिए अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे किसने श्री प्रभुपाद को बताया, बोले प्रभुपाद जी अगर आप दो चीज को अगर छूट दे दोगे पृथ्वी का और जितने सारे संप्रदाय आकर के सबके सब आपको संप्रदाय में मिल जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद ने बताए कौन सा दो चीज है, कहते एक बीड़ी है और एक चाय है, केवल आप यही दो चीज को आप छूट दे दो ये विश्व ब्रह्मांड का सारे संप्रदाय आकर के एक ही संप्रदाय केवल रह जाएगा, केवल एक गौड़ीय संप्रदाय रह जाएगा, लेकिन प्रभुपाद ने बताए हजार तारों की हमें जरूरत नहीं, एक चंद्रमा की हमें जरूरत है, जो एक चंद्रमा संपूर्ण पृथ्वी को आलोकित कर देता है लेकिन हजार तारा नहीं कर पाते। इसलिए प्रभुपाद ने कभी भी अपने संप्रदाय को उन्होंने कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने केवल शुद्ध भक्ति को ही प्रभुपाद ने प्रचार कोशिश किया, शुद्ध भक्ति धारा ही चले। इसलिए जिस समय प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे उसी समय पर जैसे प्रभुपाद को जो जान से मारने के लिए कोशिश की गई थी, क्यों कोशिश की गई थी, बोले एक तरफ में मायावाद, दूसरे तरफ में सहजिया, तीसरे तरफ में जाति गोस्वाएं और चौथे जो तरफ में जो अवतारवाद। इसलिए प्रभुपाद प्रचार करते समय ये चार तरफ में चार तरह का
कभी जो अपर संप्रदाय और जो उल्टा पुल्टा जो प्रचार था उस समय, तो कोई कितने सारे भगवान उस समय से प्रकट हो गए थे, और उस समय में जो स्मार्त जो जात गोसाई है वो लोग बोलते थे नहीं, जो नित्यानंद परिवार अद्वैत परिवार, हम लोग ये परिवार के तीसरे तरफ में सहज या चौथा तरफ में ये मायावाद, ये चार ही तरफ में घिरे हुए थे। प्रभुपाद ये सारे अपर संप्रदाय को खंडन करके शुद्ध भक्ति धारा को प्रभुपाद जो प्रचार करना चाह रहे थे उस समय में, जितने सारे स्मार्त जात गोस्वाई बोले ये प्रभुपाद को हमारा पेट में लात मार रहा है, इसलिए उसको जान से उसको मार देनी चाहिए। इसलिए जिस समय नवद्वीप में परिक्रमा प्रौढ़ माया के पास में गए, उस समय प्रभुपाद के ऊपर में सबके सब आक्रमण किया प्रभुपाद के ऊपर मारने के लिए। उस समय हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने उन्होंने उनको अपना ड्रेस दे करके, उनकी ड्रेस को लेकर के उन्होंने किसी तरह से उनको वहां से निकाले। इसलिए प्रभुपाद ने किसी अपसंप्रदाय के साथ में कभी समझौता नहीं किया, इसलिए उन्होंने शुद्ध भक्ति धारा को उन्होंने जगत में प्रचार प्रसार करने के लिए कोशिश की। इसलिए आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का आज तिरुभाव है। यही महापुरुष की वजह से हम लोग थोड़ी बहुत भजन करने के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं। अगर ये महापुरुष नहीं होते तो हम जो थोड़ी सी प्रचेष्टा कर रहे हैं ये प्रचेष्टा भी हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज हम सबके सब श्रील प्रभुपाद का चरण में प्रणाम करते हैं। जैसे इसी जगत में जो प्रभुपाद आए थे शुद्ध भक्ति धारा को प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, हाँ उसमें एक भक्ति प्रभुपाद का एक शिष्य है, वो थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी कुछ बात बताए। बोले प्रभुपाद कदी जगन्नाथपुरी में ये प्रभुपाद क्यों जन्म हुए, कारण क्या है इसका? वो दो कारण बताते थे। पहला कारण बताते थे, एक भविष्य पुराण में श्लोक है, चतुरास्ते कलो भगवत भूतकल पुरुषोत्तम। जब भविष्य में जो चार वैष्णव संप्रदाय का जो प्रचार है कहाँ से होएगा, प्लस श्री उत्कल पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी से ही ये प्रचार होगा, इसका एक कारण है। दूसरा कारण था कहते जो जगन्नाथपुरी है कहते ये विप्रलम्ब का स्थान है, ये जगन्नाथपुरी श्री विप्रलम्ब जगन्नाथ जी जो स्वरूप है वो विप्रलम्ब में कृष्ण स्वयं राधा रानी की चिंतन करते 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 द्रवीभूत होकर के श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप धारण किया, इसलिए वो श्री जगन्नाथपुरी श्री विप्रलम्ब स्थान है। इसलिए प्रभुपाद ने विप्रलम्ब स्थान को ही ज्यादा महत्व दिया, इसलिए प्रभुपाद जी वहां पर जन्म हुए हैं। कहते उनका नाम विमला प्रसाद नाम क्यों पड़ा, विमला प्रसाद नाम पर विमला एक मंजरी है, वो मंजरी का प्रसाद है ये जो साधारण जो विमला देवी इनकी नहीं। जिस समय प्रभुपाद ने जगन्नाथ की जन्म जब हुए, जगन्नाथ जी रथ यात्रा आ रही थी, उन्होंने वहां पर 3 दिन तक रथ वहां पर खड़े हो गए, वहां के रथ गए नहीं। बस 3 दिन बाद में जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनकी माता जी भगवती देवी जब प्रभुपाद को लेकर के आए और जगन्नाथ जी के चरण में प्रणाम कराया, प्रणाम कराने का साथ साथ श्री जगन्नाथ जी की जो गले से एक अधरा माला है वो अपने आप टूट पड़ा, टूट कर गिरा, उसको बाद में फिर रथ चलना शुरू हुआ है। तब वहां पर कहते हैं तब यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी 3 दिन तक जगन्नाथ जी रथ खड़ा हुआ वहां पर, तब भक्ति विनोद ठाकुर कौन है, कमल मंजरी, प्रभुपाद नयनमणि मंजरी। फिर श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर प्रभुपाद को लेकर क्यों नहीं आए, वो 3 दिन तक वहां पर जगन्नाथ जी रथ क्यों खड़ा हुआ, इसका एक रहस्य बात बताते हैं। कहते वहां पर जो जो प्रभुपाद ये नयनमणि मंजरी राधा रानी की ये नयन की पुतला है, इसलिए मानो यहाँ पर से राधा रानी मान करके बैठी हुई है। बोले तू वही कृष्ण हो, तू बताया था परसों आ जाओगे, बोलकर परसों हो गया लेकिन अभी तक तुम आए नहीं, इसलिए यहाँ पर मंजरी का काम किया है, मंजरी का काम श्री राधा रानी की पक्ष देना, ये मंजरियों का काम है। इसलिए श्री कमल मंजरी ने कहते श्री नयनमणि मंजरी को उन्होंने नहीं लेकर नहीं आए उन्होंने, इसलिए जब उनको 3 दिन के बाद में मानो यहाँ पर श्री राधा रानी मान करके बैठी हुई और जगन्नाथ कृष्ण ये 3 दिन तक जगन्नाथ वहां पर अपेक्षा करते रहे राधा रानी के मान टूट जाए और राधा रानी आए, जब उन्होंने श्री प्रभुपाद को लेकर के प्रणाम कराया, जगन्नाथ जी गला से जो माला टूटा कर दी अधर माला मतलब वो कहते हैं बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट पीत वसनम ब्रजराज सुनो,
राधा रानी के कृपा कटाक्ष से पड़ने पर कृष्ण का बंसुरी गिर जाते हैं, उनको पीताम्बर गिर जाती है, हैं गिर जाती है। इसलिए यहाँ पर जब उनको अधर वाला गिर पड़ा, मतलब है जगन्नाथ जी जब प्रभुपाद को लेकर गए, उनको एक कृपा और एक तरह के उनको गले की जो माला भी टूट कर गिर पड़ा, जो प्रभुपाद को लेकर के आए, फिर जगन्नाथ ग्रह धीरे 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 जगन्नाथ ग्रह फिर चलता है। इसलिए प्रभुपाद का शिष्य ने इनकी बड़ी बड़ी रहस्य, और उन्होंने कुर्म देवता को पूजा करने के लिए दिए। बोले क्यों? बीती करने से कुर्म देवता प्रकट हुए। बोले कुर्म देवता को क्यों उन्होंने पूजा करेंगे? प्रभुपाद वो तो राधा रानी के नयन मणि मंजरी, यहाँ तक भी द्वारकाधीश और मथुरा को भी उन्होंने जो आदर नहीं करने वाले। फिर उन्होंने श्री कृष्ण को, फिर श्री कुर्म देवता को क्यों पूजा करेंगे? कारण क्या है? बोले कारण बताए, ये कुर्म देवता कोई साधारण नहीं। कहते कुर्म देवता जब महाप्रभु राधा रानी की प्रेम में, महाप्रभु जिसका कभी कुर्म रूप धारण करते थे, ये कुर्म देवता नहीं, कहते श्री महाप्रभु का अष्टसाथी को प्रेम का रूप है। इसलिए प्रभुपाद की बड़ी बड़ी रहस्य के बारे में प्रभुपाद का शिष्य ने बताया। इसलिए आज उनका तिरुभाव प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद हम सबको बड़े कृपा करें, जैसे कभी ना कभी हम लोग प्रभुपाद की धारा में अभिषिक्त होते हुए एक जीवन किसी तरह से भक्ति में हम लोग जैसे हम बिता सके। बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। बोले श्री सपरिकर प्रभुपाद की जय। गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल।